हेलो गाइस, दिस इज जगराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम किससे मिलते हैं तो वहां पे हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो या फिर अपना नाम जो इंग्लिश में कैसे बताते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स। बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे मैं तो अपना नाम बोलकर बताऊंगा आपको, लेकिन आपने अपना नाम बोलकर देखना है। तो इस वीडियो को देखना है, साथ में ही वहाँ पे अपना नाम बोलकर देखना है कि जब भी हम किसी से मिलना है और इंग्लिश में अपना नाम कैसे बताना है। और जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं, हम बोलेंगे हाय आई एम जगराज। क्या बोलूंगा? हाय आई एम जगराज। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे जगराज नहीं लगाना, आपने अपना नाम लगा लेना है। तो सेकंड होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने हाय नहीं लगाते हैं, आप सीधा ही बोल देते हैं आई एम जगराज। क्या बोलेंगे? आई एम जगराज। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप सीधा ही अपना नाम बता रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि आपने अपना नाम लगाना है और बोलना है, और जब भी किसी से मिले और उसको आपका नाम पता ना हो तो आपने बताना है, तो आप बोलेंगे आई एम जगराज। तो इसका एक और तरीका होता है, जब आपने ये तो होता है आपने बोला था कि आई एम जगराज, मीन्स मैं जगराज हूँ, लेकिन एक होता है कि मेरा नाम जगराज है, तो उसको हमने बताना होता है, बोलने की माई नेम इज जगराज, माई नेम इज जगराज। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, माई नेम इज और आगे अपना नाम लगा देना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं माई नेम इज जगराज। तो नेक्स्ट है दिस इज जगराज, दिस इज जगराज। तो ये तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज जगराज। और आपने जब किसी को अपने बारे में बताना है तो आपने क्या करना है, आपने लगाना है दिस इज और आगे लगा देना आपने अपना नेम, मीन्स दिस इज और आगे आपने लगा देना अपना नेम, मीन्स कि आप किसी व्यक्ति को ये बता रहे होते हो कि ये जो व्यक्ति आपके सामने है इसका नाम है जगराज, ये जगराज है, तो बोलेंगे दिस इज जगराज। इसको आपने क्या करना है, अपने नाम लगा के आगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, कि अचानक जब आपको बोलना पड़ जाए कि ये व्यक्ति जगराज है, तब बोल देते हैं दिस इज जगराज। जैसे मैंने किसी को कॉल करी और आगे से वो बोलेगा हेलो बोलेगा, या फिर वो पूछेगा कौन बोल रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा दिस इज जगराज। तो वैसे फोन पे भी आप बता सकते हैं, मीन्स कहीं भी आपको अपने बारे में बताना हो तो आप लगाते हो दिस इज और आगे लगा देना अपना नेम। तो चलिए नेक्स्ट है, तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, तो इसको आपने कैसे बताना होता है, ये होता है प्लीज टू मीट यू आई एम जगराज, प्लीज टू मीट यू आई एम जगराज, प्लीज टू मीट यू आई एम जगराज। इसमें इसका मतलब हो जाता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को बोलना हो कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मैं जगराज हूँ, मीन्स कि ये तरीका होता है, मीन्स एक एक किस्म का लगा लें कि ये बोलने का तरीका होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मिले, उसके अंदर हैंडशेक करें और साथ में उसको बोलें प्लीज टू मीट यू आई एम जगराज। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। और जहाँ फिर एक और होता है नाइस टू मीट यू, आप बोल देते हो Nice to meet you, I am जगराज। तो ये कई बार बहुत ज्यादा बोलने में याद आता है, तो जब भी किसी व्यक्ति से मिले और आपको अपना नाम बताना पड़े, मीन या फिर आप किसी से मिल रहे हो और अगर उसने नाम नहीं भी पूछा लेकिन उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, तो उसको बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, आपने बोलना होता है नाइस टू मीट यू आई एम जगराज। तो नाइस टू मीट यू होता है जब आपने किसी व्यक्ति को बोलना होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई या फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जब आप बोलते हो प्लीज्ड टू मीट यू, तो साथ में आपके फेस के ऊपर थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाला व्यक्ति को लगे कि आप सच में ही उससे मिलकर आपको खुशी हो रही है, तो साथ में आपने बताना होता है नाइस टू मीट यू आई एम जगराज, या फिर बोल देते हैं दिस इज जगराज। तो नेक्स्ट है लेट मी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ आई एम जगराज। तो इसको आपने कैसे बोलना है, आपने बोलना है Let me introduce yourself. I am जगराज। क्या बोलेंगे? एक बार आपने I am के आगे अपना नाम लगाना है, क्योंकि मैं तो जगराज हूँ, मैं तो अपना नाम लगाऊंगा, लेकिन आपने अपना नाम लगाना होता है। तो इसका मतलब होता है
कि आप अपना परिचय दो, मीन आप अपने बारे में बताइए, मैं जगराज हूँ। तो जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं जो आपका नाम नहीं जानता या फिर आप उसको नहीं जानते, तो आपने उसको बोलना होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, आई एम जगराज। एक बार आपने इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये जो चीजें होती है जो हम बोल लेते हैं एक बार तो हमें होता है कि हमें आती है, लेकिन जब किसी से अचानक मिलते हैं तो ये सारा कुछ याद भूल जाता है। तो ये सीखना ही नहीं है, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत अच्छे से, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब भी किसी भी इंसान से मिले तो आपको याद ना करना पड़े कि मैंने कुछ सीखा था वो बोलना है। आपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी कि आपको लगे कि ये तो मैंने बोलना ही बोलना है। तो अब आप इस ये जो चीजें मैंने बताई हुई है इसको अच्छे से आप याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए के साथ। टिल देन बाय।